अरे सर बताइए आपको क्या चाहिए। आपके पीछे वो जो एक बहुत ही खतरनाक सी कार खड़ी है, मेरे को वो चाहिए। मेरे पीछे तो कोई कार नहीं खड़ी। अरे मतलब आपके वो जो शोरूम के पीछे खड़ी है। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। पर वो तो बहुत ही स्पेशल एडिशन कार है, उसे खरीदने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए पड़ेंगे सर। अरे आप मेरे को भूल गए कासिमियो, लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हूं मैं। एंड्रू का तो नाम आपने सुना ही होगा। अरे बिल्कुल सुना है, लॉस सैंटोस के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मैं ही तो हूँ वो। अरे सर आप ही है क्या? आपकी कंपनी के लिए तो हमने काफी बार कार्स भेजी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं अभी अपने लिए भी कार लेने आया आप ही की दुकान से। दुकान नहीं मतलब शोरूम, खैर मेरे लिए तो दुकान ही है ये। अरे ठीक है सर, जैसा आप चाहे आ जाइए सर। हाँ आता हूँ। इतनी स्पेशल एडिशन कार लेंगे ये, तीन कारों के बराबर इकलौती कार। एक काम कीजिए, आप इस कार को फाइनल कर दीजिए, दो घंटे बाद मेरा एक ट्रक आएगा, उसके अंदर इस कार को भेज दीजिएगा। जैसा आप बोले सर। ये लीजिए मैं आपको पैसे दे देता हूँ इसके, हो गए हैं सेंड, आप चेक कर सकते हैं। देख लेता हूँ एक सेकंड। अरे वाह, पूरे के पूरे 250 करोड़ रुपए आ गए हैं मेरे अकाउंट में। ये हुई ना बात, थैंक यू सर, आप तक ये कार पहुँच जाएगी। जी ठीक है मैं चलता हूँ फिर। ये हुई ना बात, इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से सेल्स हो रही है, वो भी खतरनाक कार्स की। एक सेकंड, अरे वाह, ये सिमियन का गैराज कितना ज्यादा सजा धजा है। एक सेकंड, सिमियन भी खड़ा है। खैर वो इधर वाले कमरे में खड़ा है, इसका मतलब पीछे वाली साइड की गाड़ियां ऐसी खड़ी होंगी। ये हुई ना बात, यहाँ पर चोरी करने का अलग ही मजा आता है। यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है क्या? नहीं खड़ी इधर पे कोई कार। ये देखो एक सेकंड, क्या ही खतरनाक कार खड़ी है यहाँ पर। इसे चोरी करूंगा फिर तो खतरनाक ही माल हाथ लगेगा। काम करते हैं, इसी को चोरी करके ले चलते हैं। इसकी थोड़ी सी वायरिंग जोड़नी पड़ेगी। ये हो गई कनेक्ट और ये स्टार्ट हो गई। ये हुई ना बात, निकल जाता हूँ यहाँ से शांति से। ये हुई ना बात, पूरी स्पीड में भगा लूंगा मैं इस कार को। एक सेकंड, डिलीवरी के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर। सिमियन से बोलता हूँ जल्दी से गाड़ी खड़ी करिए करेगा इसके अंदर, बॉस ने मेरे को बुलाया बहुत जल्दी, बोलता हूँ इससे जल्दी से। अरे ओ सिमियन, अभी अभी मेरे बॉस आए थे यहाँ पर, उन्होंने गाड़ी खरीदी कोई सी पता नहीं, जल्दी से वो बता दो कहाँ पर खड़ी है, उसे ट्रक के अंदर भी खड़ा करना है। अरे यार तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए, अभी 5 मिनट ही हुए थे तुम्हारे बॉस को गए हुए। हाँ मुझे ये बात पता है, तभी तो मैं आया हूँ जल्दी से यहाँ पर। चलो ठीक है, वहाँ पर पीछे की ओर खड़ी है तुम्हारी कार, दे देता हूँ तुमको, आ जाओ मेरा पीछे पीछे, आ रहा हूँ, जल्दी से आओ। देखो इधर की साइड खड़ी हुई थी। एक मिनट, कहाँ पर चली गई ये कार? एक सेकंड, यहीं पर तो खड़ी थी अभी। देखो इस बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे बॉस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर उन्हें ये पता चला तो, क्योंकि गाड़ी चोरी हो गई है। अरे चोरी नहीं हुई है, पता नहीं कहाँ पर चली गई। चोरी कैसे हो सकती है यार यहाँ से? खुले में खड़ी थी, हो नहीं सकती क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे देखो यहाँ पर नीचे की ओर टायर के भी निशान बने हैं, इसका मतलब सच में चोरी होगी लगता है। वही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, अब करना क्या है ये बताओ। अरे ये तो देखना पड़ेगा, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है, मेरे को मैक्स को बुलाना ही पड़ेगा, कॉल करता हूँ उसे। एक सेकंड शिनचान, ये कितने सारे खिलौने फैला रखे तूने। अरे तो क्या हो गया, खेल भी नहीं सकते क्या आप हम इस घर के अंदर? अरे खेलो यार, पर इतना ज्यादा काम झाम क्यों फैला रखा? अगर ये सब उठाया नहीं ना तुमने तो तुम्हें मैं बताऊंगा। एक सेकंड, ये कॉल किसका? सिमियन का कॉल, वो भी इतने दिनों बाद। अरे इतने दिनों बाद कैसे याद कर लिए इसने आपको? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार शिनचान, खैर इसको जरूर कोई काम पड़ा होगा, पर खैर ये अच्छे पैसे दे देता है गाइस, तो फिर एक बार इससे बात कर ही लेते हैं। हेलो सिमियन। अरे मैक्स एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। कैसी दिक्कत हो गई है? अरे तुम तो जानते हो यार, मेरे पास आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आने लग गए हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुमने उसका नाम तो सुना ही होगा, वो एंड्रयू नाम का एक बिजनेसमैन है। अरे हाँ यार मैं जानता हूँ एंड्रयू को, top 10 बिजनेसमैन में से एक है वो लॉस सैंटोस के, बहुत ही ज्यादा अमीर है यार वो। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ यार, अगर वो मेरे क्लाइंट बन गए तो फिर बहुत ही खतरनाक सीन हो जाएगा, मतलब वो मेरे क्लाइंट बन चुके हैं पर मेरे को इसे निभाते रहना होगा। अरे मतलब कहना क्या चाह रहे हो यार तुम? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छे क्लाइंट बने मेरे और मैं उन्हें हाथ से नहीं निकलने दे सकता। उनको मैंने अभी भी एक कार बेची है, जो कार अभी जस्ट चोरी हो गई है, वो भी हमारे शोरूम से ही। एक सेकंड, शोरूम से ही चोरी हो गई? ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे भाई तो मैं भी सोच रहा हूँ, अगर ये शोरूम पे थे तो फिर चोरी कैसे हो सकती है? हाँ यार शिनचान ये तो सबसे बड़ा सवाल है आखिर। मैं नहीं जानता यार कुछ, प्लीज जल्दी से आओ और मदद कर दो। हाँ मैं समझ गया, ठीक है मैं आता हूँ तुम्हारे पास जल्दी से। खैर गाइस मेरे को लग ही रहा था यार सही किसी चीज के लिए बुलाएगा हमें। आप लोग एक काम करो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, ताकि हम उन गाड़ियों को मतलब ढूंढ ले और जिसने भी चोरी किया उसे अच्छा खासा सबक भी सिखा दे। अरे हाँ
हाँ गाइस जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी और उस घंटे के बटन को भी दबा देना ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियोस आए आपके फोन की भी घंटी बज जाए। हाँ गाइस बिल्कुल सही बोला शिनचैन ने। खैर गाइस जल्दी से अपनी कार लेता हूँ मैं अंदर से। इसी कार का गाइस बड़ा वर्जन बन रखा है, मतलब वो जो कार चोरी हुई है, क्योंकि मेरे को पता रहता है यार कि सिमियन के गैराज में कौन सी कार खड़ी हो रही है कब। और एंड्रयू गाइस छोटी मोटी कार तो लेगा ही नहीं, इससे खतरनाक ही लेगा। हाँ ये तो नॉर्मल कारों की तरह खड़ी होती है वहाँ पर। हाँ यार शिनचैन इसी का बड़ा वर्जन होगा यार जो चोरी हुआ हुआ देख लियो। खैर गाइस अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। हाँ जल्दी जल्दी निकलो, वैसे भी हम लेट हो गए हैं काफी, अब तक तो वो चोर भेज भी चुका होगा इस गाड़ी को कहीं ना कहीं। हाँ यार मेरे को भी ऐसी शक हो रहा है यार। A few moments later. खैर गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सिमियन के गैराज पे। अभी जल्दी से चल के देखते हैं अंदर क्या आखिर सीन क्या हो रखा है। खैर गाइस अब जल्दी से अंदर चल के सिमियन से बात करते हैं। एक सेकंड, सिमियन यहीं पर खड़ा है आगे। अरे यार मैक्स यार बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है यार, करो ना यार प्लीज कुछ जल्दी से। खैर 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 तुम टेंशन मत लो यार सिमियन। हाँ जाके कंपनी से पेंशन लो और सारा काम वाम छोड़ो अपना। हाँ नहीं तो बताओ शोरूम के अंदर से गाड़ियाँ चोरी करवा देती हूँ। मैंने कोई गाड़ी चोरी नहीं करवाई यार, अपने आप चोरी हुई। अरे यार शिनचैन क्यों यार बेचारी कैसी तैसी कर रहा है तू भी, इसकी गाड़ी गाइस चोरी हो गई है ऊपर से यार शिनचैन इसी की बेइज्जती मार रहा है। खैर शिनचैन का काम ही ऐसा है गाइस। अभी मैं काम करता हूँ, जल्दी से कॉल करके पता लगाता हूँ गाइस थोड़ा सा ब्लैक मार्केट के अंदर कि आखिर वो गाड़ी चोरी हो करके कहीं पर बिकी तो नहीं ना अब तक। हेलो लेस्टर। अरे हाँ बोलो यार मैक्स क्या बात है। अरे दरअसल यार मेरे को ये जानना था कि ये जो गाड़ी है लैम्बोर्गिनी की टायर्स वो ट्रिपल वाली, वो तो मतलब अभी कहीं किसी ब्लैक मार्केट में बिकी नहीं ना। कौन सी, एक सेकंड रुको मैं चेक करके बता देता हूँ। खैर वो बिक चुकी है किसी डेविस नाम के बंदे को। डेविस नाम के बंदे को गाइस, मतलब कि यार गाड़ी तो बिक चुकी है। इसका मतलब है गाइस चोर ने गाड़ी को सौदा तो कर लिया, लेकिन अब ये डेविस कौन है उसके घर पे हमें जाना पड़ेगा और वहाँ से गाइस हमें अब चोरी करके लानी पड़ेगी। अरे चोरी करके लेके तो आ जाएंगे ना हम सही सलामत तरीके से। और नहीं तो क्या यार शिनचैन तू अभी तो हम हल्के में ही लेता है क्या, हमें बहुत ही खतरनाक तरीके से चोरी करके लेके आना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा सामान चाहिए पड़ेगा। देखो सिमियन अब तुम्हें चोरी करवानी पड़ेगी और अब ज्यादा शरीफ मत बनना, क्योंकि पहले भी तुम यही काम करते थे, लोगों को गाड़ी बेच करके चोरी करवा लेते थे। अरे वो तो मेरा पुराना बिजनेस था। खैर जो भी हो तुम अभी भी ये करते हो मेरे को पता है सब। खैर हमें सेम काम करना है, इसलिए तुम्हें पता है कि हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूँ यार, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें एक हैकर की जरूरत है और साथ ही में एक। अरे यार मैं बैंक में चोरी करने थोड़ी जा रहा हूँ जो हैकर की जरूरत पड़ेगी क्या यार सिमियन। मेरे को बस एक ट्रक दे देना छोटा सा, जिस ट्रक में मैं वो गाड़ी लेके आ सकूँ। अरे अच्छा ठीक है समझ गया मैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर ही दिमाग रहता तुम्हारा भी आजकल। चलो तुम्हारा ट्रक मंगवा ही देता हूँ मैं। हाँ जल्दी से मंगवा दो और साथ ही में नाश्ते के लिए भी कुछ मंगवा दो, मेरे लिए तो 2 पैकेट चोकोबी के मंगवा दो। अच्छा 2 पैकेट में तुम्हारा हो जाएगा। अरे सॉरी गलती से 2 पैकेट बोल दिया, मेरा मतलब है कि 2 डब्बे। 2 डब्बे इतने सारे खा के करेगा क्या तू। एक डब्बे में गाइस 100 के करीब चोको चिप्स होते हैं और ये पूरे के पूरे 2 डब्बे मांग रहा है। मतलब गाइस 100 भी मतलब चोको चिप्स नहीं होते बल्कि उनके पैकेट्स होते हैं, जिसके एक पैकेट के अंदर गाइस 10 चोको चिप्स होते हैं। मतलब कि यार मैं क्या ही बोलूं, इतने सारे चोको चिप्स मांग रहा है ये, इतने सारे चोको चिप्स एक साथ खा के आखिर तू करेगा क्या। अरे ढेर सारी टट्टी करूंगा और क्या, आपको क्या करना है इससे। अरे यार गाइस अब मैं क्या ही बोलूं, हर बात पे यार दिमाग खराब करने वाली बात ही बोलता है ये। यार चल ठीक है तेरे लिए वो मंगवा देंगे, मंगवा दो यार सिमियन, और मेरे को भी भूख लगी है। हाँ इनके लिए थोड़ा सा गोबर मंगवा दूं। गोबर तू खा लियो ठीक है ना यार। गाइस कैसी बातें करता है ये, मैंने कुछ बोला था तेरी चीज के लिए। अरे बोला तो था इतना लंबा चौड़ा लेक्चर। खैर गाइस पता नहीं से क्या ही हो गया आज, मेरे लिए बर्गर मंगवा देना। अरे वैसे बर्गर और गोबर सुनने में तो एक जैसा ही है बिल्कुल। तू खा लियो ना तो फिर तू गोबर खा लियो और मैं बर्गर खा लूंगा, आनी तो दिमाग मत खराब कर, अब जल्दी से मंगवा यार सिमियन यार, वरना ये मेरा दिमाग का गोबर कर देगा। अच्छा चलो ठीक है मैं मंगवा देता हूँ तुम्हारे लिए 2 पैकेट गोबर। 2 पैकेट गोबर किसी के लिए नहीं मंगवाना है, इसके लिए 2 डब्बे चौको पी के और मेरे लिए यार 2 बर्गर और चौप के लिए कम से कम 20 हड्डियां मंगवा दो। अरे 20 में मेरा क्या होगा, शांति से खा ले जितनी मिल रही है ठीक है ना। वैसे ये 2 डब्बे मंगवा रहे चौको पी के, इसी के साथ बैठ के खा लियो। हाँ हम दोनों शेयर कर लेंगे, ये लोग तो चैन से खाने भी नहीं देते अब। ज्यादा दिमाग मत खराब कर ठीक है ना। खैर गाइस मैं क्या ही बोलूं, जल्दी से मंगवा दो यार सिमियन। मंगवा देता हूँ। अरे बैनी। अरे सर बोलिए। इनके लिए जल्दी से 2 डब्बे चौको पी के लाओ, 2 बर्गर लाओ और 20 हड्डियां लाओ। जैसा आप बोले सर ला के देता हूँ। और साथ ही में वो ट्रक का भी अरेंजमेंट कर दो, वो जो ट्रक होता है ना गाड़ियों की डिलीवरी का, छोटा वाला कि बड़ा वाला। बड़ा वाला करो, बड़ा वाला। ठीक है सर। A few moments later. ये लीजिए सर आपका खाना ले आया मैं और बाहर ट्रक भी खड़ा है। ठीक है गाइस जल्दी से खत्म करते हैं खाने को, आ जा शिनचैन। अरे हाँ जल्दी से टूट पड़ो अब। खैर गाइस स्टार्ट करते हैं खाना।
2 seconds later. खैर गाइस देखो यार ट्रक भी आ चुका है, अब बस हमें चोरी करने जाना पड़ेगा उस डेविस के घर पे। उसका एड्रेस भी निकलवा लेता हूँ मैं अभी लेस्टर से। अरे यार जल्दी से करो जो भी करना है। अरे हाँ यार मैक्स जल्दी से कुछ करो और मुझे उस मुसीबत से निकाल दो यार। उन लोगों ने मुझे साफ साफ धमकी दी है कि वह ऐसी तैसी कर देंगे मेरी अगर उनकी गाड़ी नहीं मिली तो, और मेरे से सारे रिश्ते तोड़ देंगे अपने। अरे मैं समझ गया, ठीक है यार तुम टेंशन मत लो यार मैं कर दूंगा। गाइस आप लोग यार कमेंट से मेरे को यार थोड़े आइडियाज दे सकते हो कि हमें चोरी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि यार ये जो डेविस नाम का बंदा है मेरे को लग रहा है गाइस ये अच्छा खासा माफिया वगैरह होगा। हाँ गाइस आप बताओ हमें एकदम खतरनाक तरीके से ब्लॉकबस्टर एंट्री के साथ चोरी करनी चाहिए या फिर एकदम ही छुप के? यार ब्लॉकबस्टर तरीके से यार अगर करेंगे तो फिर अलग ही सीन हो जाएगा गाइस एकदम तोड़फोड़ मचा करके। लेकिन गाइस अगर हम छुप करके करेंगे तब भी अलग सीन होगा एकदम, आप लोग कमेंट से बताओ। हाँ गाइस जल्दी से बता दो। तो खैर गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिख देना मैक्स ओपी। तो चल यार सिंचन अब तेरे को कुछ बोलना है लोगों से। हाँ गाइस आज मैं करूंगा 30,000 लाइक्स का, मुझे पता है हमेशा की तरह ऐसे ही पूरा करवा दूंगी, तो प्लीज इसे भी जल्दी पूरा करवा देना। और हाँ अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे डिस्कस सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर इन दोनों पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तो गाइस फिर हम फिर से मिलेंगे आपसे किसी ऐसी खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।